मेहंदी लावण आईया, क्या बात है। और ये विश होती है फैमिली की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से, उनकी बहनें, उनकी कज़न सब इकट्ठे होते हैं और उन्हें विश करते हैं, है ना। आपका क्या ख्याल है बिश्क? ये तो है। अच्छा, आप उस वक्त जब दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है तो सब इकट्ठे होते हैं, सहेलियां भी होती हैं, माँ भी होता है, माँ भी होती है, भाई भी हैं, बाप भी है, सभी रिश्तेदार फैमिली वाले हैं और विश करते हैं अपनी बहन बेटी को। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस आपका क्या है? शादी में गाना गाया आपने, जैसे ओकेजन्स होते हैं, शादी की महफिलें होती हैं, उसमें गाना गाने का मौका मिला कभी? अलबत्ता मैं शादी ब्याह के फंक्शन अटेंड नहीं करती। अच्छा। लेकिन जो फैमिली में होते हैं वो तो करते हैं। बिल्कुल, शादी फैमिली की। हाँ, फैमिली में हो ना। अच्छा। जो घर में कजन की शादी होगी, फैमिली की होगी। हाँ, जो फैमिली में हो तो वो तो अटेंड करती है। अच्छा, उसमें आपको, यानी ये भी सबसे मज़े की बात है मेरा ख्याल है, फैमिली वालों को सबसे मज़े का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ये है कि आप मुफ्त में गाना गा रहे हैं। क्या बात है ना बुशरा। ये तो है। घर वाले भी। अच्छा, फैमिली में कोई है सिंगिंग में, कि आप सिर्फ खुद सिंगिंग में आई, कैसे आई थोड़ा सा बताइएगा ज़रा, गाना कैसे शुरू किया? हाँ, गाना तो मैं तकरीबन 15-16 साल की उम्र से सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, उस तो आप इतनी देर हो गई गाना गाते हुए, लेकिन जब मैं कैसेट वगैरह या लाहौर आना मुश्किल था मेरे लिए, मैं कसूर में रहती थी। अच्छा अच्छा। वहाँ नुसरत फ़तेह अली खान कसूर में जाया करते थे, उन्होंने मुझे सुना। नुसरत फ़तेह अली खान उस्ताद, वाह वाह। फिर उन्होंने मुझे यहाँ लाहौर में कहा कि आप EMI में आएँ। अच्छा। और वहाँ रिकॉर्डिंग करें, मैंने वहाँ से काम शुरू किया EMI से। वाह वाह, बड़ा ये एक बहुत खूबसूरत मौका होता है कि एक इतने बड़े सेलिब्रिटी स्टार आपके लिए। मैंने खान साहब की कवालियाँ भी गाई हैं। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत सी उनकी कवालियाँ गाई हैं। अच्छा अच्छा। आज मैंने नाते, कवालियाँ, कसीदे, शादी ब्याह के गीत, सही, दोड़े माइये। अच्छा, अभी माइये से बात, आप हमने क्या बताया, दोड़े माइये। हाँ, दोड़े माइये, वो आप अभी गाएंगे इस वक्त हमारे? हाँ, सुना देंगे। चुन्ने केसरी ते गोटे दिया तारियां